मेरे भाई ने जो भाई रिली पॉप की भाई ने क्या कर रहा है यार ये बंदा, गिरा देता था मेरे को अभी, इडियट मेरी तरफ ही आ रहा है यार। मेरे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे आप लोग, आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आपने निकला और राइड पे यार, इवनिंग राइड पे, चलिए देखते हैं क्या देखने को मिलता है इन बिटवीन द राइड। जैसे हमेशा की नसीब हमारी खराब ही रहती है, तो आज भी खराब ही रहनी है मेरे भाई। तो मैंने क्या किया अभी, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, स्पीडोमीटर का सेंसर, ऑयल वैन इंजन ऑयल प्लस सब कुछ लेकर रखा है। आफ्टर 500 किलोमीटर्स में चेंज करवा लूँगा एवरीथिंग। बाइक एकदम न्यू मक्खन की तरह चलनी चाहिए, ऐसी कंडीशन में कर दूँगा। ये मेरा फर्स्ट टाइम जो है, मैं इंजन ऑयल फ्रेश कर रहा हूँ। भाई साहब ये होटल है मेरे, होटल क्या कर रहा है यार ये बंदा, गिरा देता था मेरे को अभी, इडियट मेरी तरफ ही आ रहा है यार। मेरे ऐसी स्पीड पे यार आगे का टायर अच्छा है, मेरा न्यू टायर है, अगर पुराना टायर रहता तो मैं गिर गया था तभी। चलते मेरे को दिमाग खराब नहीं करना है और हम लोग चलते हैं। भाई साहब मैंने इसकी तो हाईलाइट टाइट है, मैंने पूरा हेलमेट घुमा कर देखने की कोशिश की, पता नहीं अब नंबर नोट हुआ या नहीं। नंबर नोट करके मैं क्या कर लूंगा भाई। दैट वाज माय स्टाइल। ये नॉन एबीएस का भी एक अलग फन है, विथ एबीएस सेफ्टी के मामले में अच्छा है, लेकिन जो बंदा नॉन एबीएस में परफेक्ट हो, एबीएस तो उसकी जरूरत है ही नहीं। ये बात मैंने सही कही या नहीं, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर कोई बंदा नॉन एबीएस में परफेक्ट है तो उसे एबीएस की जरूरत ही नहीं है बॉस। हाँ लेकिन एबीएस कई हद तक ज़रूरी है, लेकिन अगर आप नॉन एबीएस की बाइक अच्छे से हैंडल कर पाते हो तो भाई एबीएस की ज़रूरत ही क्या है। सी एबीएस इज़ अ न्यू टेक्नोलॉजी, नॉन एबीएस तो पहले से चलता आ रहा है। तो ऐसा नहीं कि पहले रेसिस नहीं होती थी भाई, पहले भी रेसिस होती थी, पहले भी बंदे बाइक को हैंडल करते थे विदाउट एबीएस। ओहो देख ले भाई, मॉडिफाइड तो GSX-R है मेरे भाई। देखो देखा ऐसे रिएक्शन निकलती है हमारा गब्बर। अच्छा भी लगता है यार, बच्चे लोग बाइक को देखते हैं। उनके मन में इच्छा होती होगी कि भाई मुझे भी लेनी है इसी टाइप की बाइक। लेकिन भाई एक बात है, एक पंडा है अपन का कि मैंने आज तक कोई भी चीज़ हो, आईफोन रहने दो, ये वाली बाइक रहने दो, भले ही उतनी महंगी नहीं है, लेकिन मैंने खुद के पैसे से ली है, जो मैं खुद हमें जो गर्व के साथ कह सकता हूँ। मैंने कभी मेरे पापा को नहीं कहा कि पापा मेरे को जुप्टर चाहिए, पापा मेरे को आईफोन चाहिए, पापा मेरे को
KTM चाहिए। मेरे पास इतने पैसे थे, मुझे बाइक पसंद आई, मैंने कुछ अलग सोचा इसे लेके मॉडिफाई करेंगे और इसे कुछ अलग बनाएंगे, तब जाके मैंने बाइक ली खुद के पैसे से। ओके भाई निकल ले, निकल ले, निकल ले भाई, निकल ले तू भाई, निकल ले यार। अब मेरा फ्रेंड आ गया उन्हें R15 V3, इसकी मैं उस दिन बात कर रहा था, BS4 जो आपने मेरे इसमें देखा रहेगा इंट्रो में। बस रैंडम राइड पे ऐसे घूम के कुछ प्लान कर रहे हैं फॉर लॉन्ग राइड ट्यूसडे और वेनिसडे, लेट्स सी। तो भाई से रिएक्शन होता है, भाई उसमें कौन सा नहीं खतरनाक होती है, बस अब क्लिप ऑन बात। ओके सॉरी, बस V3 यार जो भी बोलो। सॉरी मेरे भाई ने जो भाई रिली पॉप की भाई ने, भाई ने रिली पॉप की। R1 पे चला ही मैंने भाई, BS4 का अलग फोन है, BS6 का अलग फोन है। BS4 में जो है ना, तो जैसे KTM कैसी थी BS3 और BS4, इसी का कुछ पंडा है, लेकिन BS6 में भी जान है यार। लेकिन ये बोलता है एकदम थोड़ी ओपन है, इसमें जेटली कन्वर्टर नहीं है ना, इसलिए थोड़ी बहुत ज़्यादा भागती है, बहुत अलग लेवल की भागती है ये। मैंने हेलमेट नहीं पहना तो मुझे डर लग रहा है भाई, कभी कभार चलता है यार। निकल ले भाई, तो भाई भाई राइड करेंगे ना तो अलग मजा आता है भाई। राइड पे वो पहनता है आई मीन हेलमेट वगैरह, लेदर जैकेट भी है भाई के पास ओरिजिनल, जो कि ऑलमोस्ट 10,000 to 12,000 का आता है। कहाँ जाना है अभी, लेट्स भाई ओनली डिसाइड। तो ऑफ करेंगे तो भाई का प्रॉब्लम है। देखो भाई ऐसे रिएक्शन निकलते हैं। भाई सिर्फ 2-3 किलोमीटर के राइड के लिए आया, इसलिए उसने हेलमेट नहीं पहना है। वो मेरे एक फोन पे बेचारा घर से आ गया, होटल की आवाज़ अलग ही फन है इस टाइप का। R15 V3 की बहुत बढ़िया आवाज है। हमारे गब्बर भी कुछ कम नहीं है, तो गब्बर को अंडरस्टैंड मत करो। पुलिस रहेंगे वहां पे,
टर्न 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 भाई टर्न टर्न भाई को रिस्क में देना है भाई। सही समय पे मैंने सिग्नल दे दिया वरना हमारे भाई को लगता था फटका। मेरा पिकअप V3 का पिकअप है भाई वो। जवाब नहीं इसका कीपअप रखती है यार। मैंने फर्स्ट टाइम किया है इसे। नवीन भाई को कम मत समझो छोड़ डालते हैं पूरा। नवीन वाली थार जा रही है आगे। बेस्ट भाई भाई बेस्ट कार है यार ये। कहाँ जा रहा है बंदा कंफ्यूज है। आगे सलमान खान वाली दिक्कत जा रही है जो भाई ने अपने अरे प्रमोट की थी टाइम ऑफ लॉन्च। लगता है अब नबील भाई अपनी बाइक लॉन्च करेंगे। जाओ भाई जाओ जा जा मजा आ भाई। अगर आगे रहेंगे तो ज़्यादा बेटर है तो भाई विली पॉप वगैरह करते रहते हैं। सो मच फन। मेरे ना बाइक के फेयरिंग के आगे से दो स्क्रू गिर गए हैं तो मुझे थोड़ा डर लग रहा है ज़्यादा वाइब्रेट कर रही है बाइक। ABS है आज इज नॉन ABS। मेरे को यार भूख लग रही है यार बहुत खराब। थैंक यू टेक करना मतलब लाइफ को रिस्क में लेना। ओ भाई साहब ओ भाई नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट लेवल। Awesome ride, मजा आ गया बॉस। बाइक के आगे से हनी भी टाइप क्या हो जा रही है सब क्यों हो रहा है मेरे भाई। थोड़ी देर बाद मिलता हूँ आपको। गाइस नबील भाई जा चुके हैं अपने घर। ओ आई सी आई होप कि कैमरा एंगल सही आ रहा होगा यार। प्लीज डोंट गिव मी दिस ट्रिप मैन। आई होप सब कुछ अच्छे से रिकॉर्ड हो रहा होगा। गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैं ऐसे रैंडम राइड पर भाई को पूछा था भाई ने कह दिया हाँ चलते हैं भाई ऐसे ही। हम आगे जाते थे वहाँ पे बीच थी आगे लेकिन आपने देखा कि वहाँ पे जो है
पुलिस वाले थे तो भाई को अड़ा लेते थे, क्योंकि बाइक के फर्स्ट नंबर बाइक में मिरर नहीं है, कि हुआ था कि बाइक की बाइक जो थी क्रैश कर गई थी ना एक बार, तो उसका मिरर टूट गया था, तो भाई ने दूसरा मिरर भी निकाल दिया कि लुक पूरा ख़राब कर देगा भीतरी का। प्लस भाई के पास हेलमेट नहीं था, तो फिर हमने वहाँ पे टर्न मारना है बेहतर समझा। अगर मैं भाई को हाथ नहीं दिखाता था तो भाई निकल गया था, सीधा जाके पुलिस के सामने रुक जाता था और भाई को पड़ी थी अभी 200 या 500 की फटकार। तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। आओ आपकी वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ट्रेलर में नहीं होता तो सब्सक्राइब घंटे को जरूर दबाना बॉस। मैं जो आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।